फ्रेंड्स, मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ और टाइम हो गया है अभी 1:16, तो अब मैं जा रही हूँ लंच करने, क्योंकि मैंने अब तक लंच नहीं किया था और मुझे वीडियो अपलोड करने के लिए नीचे जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। तो मैं पहले लंच कर लेती हूँ और मुझे फिर अभी अभी बहुत सारा काम करना है अपने वीडियो का, तो सबसे पहले मैं लंच कर लेती हूँ। तो मैं लंच लेके आती हूँ और आज संडे है तो आज संडे स्पेशल होगा कुछ लंच, देखते हैं क्या है। सबसे पहले तो मैं अपना बर्तन वॉश कर लेती हूँ जो कि पड़ा हुआ है 2 दिन में। 2 दिन से नहीं, सुबह मॉर्निंग से लंच बॉक्स पड़ा हुआ है। तो आज मिला था पोहा ब्रेकफास्ट में, पोहा मुझे अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। मैं लेकर आ गई हूँ अपना लंच। लंच में आज ये स्पेशल पनीर एंड चावल और बटर मिल्क भी था, लेकिन बटर मिल्क खत्म हो गया तो आंटी ने बोला है कि अभी वो बना के फिर से देंगे। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ पहले। सब्जी बहुत ही तीखा है, बहुत स्पाइसी है, टेस्टी तो है लेकिन बहुत स्पाइसी है, मेरे पूरे जीभ जल रहे हैं। फ्रेंड्स, हो गया है मेरा लंच और आप देख रहे हैं इतना तीखा सब्जी था कि मेरे नाक आँख सब लाल हो गए हैं। और मैं जा रही हूँ आप अपना दूसरा वीडियो एडिट करने, मुझे उसे आज ही पोस्ट करना है क्योंकि अभी मेरी रूममेट भी नहीं है तो मैं आराम से वॉइस ओवर कर सकूंगी। और रूममेट रहती है तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है वॉइस ओवर करने में, तो मुझे जाना पड़ता है नीचे वॉइस ओवर करने, तो इसलिए मैं अभी जल्दी से अपना दूसरा वीडियो अपलोड करके और फिर एक नया वीडियो भी मुझे बनाना है अपने टेक्निकल Q2 जो मेरा चैनल है उसके लिए। तो अगर आपको कोई भी YouTube रिलेटेड या फिर डेस्कटॉप और मोबाइल से रिलेटेड कोई भी इशू अगर आता है तो आप मेरे उस चैनल पर जाके देख सकते हैं, चैनल का नाम है टेक्निकल Q2। तो चलिए मैं पहले अपना थोड़ा सा मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी मैंने खाना खाया है, तो मैं रेस्ट करके तब फिर अपना वो वीडियो एडिट करूँगी। यहाँ इतनी गर्मी है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह मौसम ठीक था, कल बारिश हुआ था रात में तो, लेकिन अभी फिर से बहुत गर्मी होने लगी है। और मुझे करने हैं अपने बालों में ऑयलिंग, तो आज मैं बालों में ऑयलिंग तो करूँगी और साथ में मैं एलोवेरा जेल से मसाज कर। फ्रेंड्स देखिए, ये एलोवेरा का पत्ता मैंने 3 महीना पहले तोड़ा था लेकिन अभी भी ग्रीन है। तो अभी गर्मी का सीज़न आ गया इसलिए इधर से सूखने लगा है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक गीला कवर है उसमें मैं इसे फोल्ड करके रख दूँगी
जिससे और भी आगे मेरा काम आ जाएगा। ये फ्रेंड्स ये हो गया रेडी, मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा कैमरा को डाउन करके। ये देखिए ये मैंने एलोवेरा जूस निकाल लिया है और उसको आपने देखा कि मैं ग्लास से इसको कूच कूच के इसको पूरा पतला कर ली हूँ। अब इसमें मैं मिलाऊंगी कोकोनट ऑयल, उसके बाद मैं करूँगी अपने बालों की मसाज। इसमें मैं मिक्स करूंगी कोकोनट ऑयल, मेरे पास लेमन नहीं है, नहीं तो मैं इसमें लेमन भी मिक्स करती, लेमन से और भी अच्छा होता है, प्रॉब्लम नहीं है। कर लेती हूँ मिक्स। अब मैं करूंगी अपने बालों की मसाज। मैं कर ली हूँ अपने बालों की ऑयलिंग, मतलब ऑयलिंग मतलब पूरे, मैं सोचिए मैं पूरा ऑयल से नहा ली हूँ और मुझे थोड़ा सा ऑयल से मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं, मेरे को ज़्यादा ऑयल चाहिए। और यहाँ का मौसम अभी हो गया है बारिश के जैसा, मैं आपको दिखाती हूँ ये देखो। तो मैं जा फ्रेंड्स, उसके बाद मैं सो गई थी, फिर सो के उठी हूँ अभी और उसके बाद मैं फेस में लगा ली हूँ एलोवेरा जेल, जो मेरे फेस को थोड़ा सा ठंडक पहुँचाता है, थोड़ा अच्छा लगता है और रिलैक्स भी मिलता है। और उसके बाद मैं धो लूँगी अपना फेस। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूं।